7 मई को मतदान है, लेकिन इस बार वोटर अपने दिल में दर्द छुपाए बैठे हैं। सेवला जाट के वोटरों ने खुलकर कहा कि इस बार बदलाव करना है। कुछ लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ठीक है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों को सबक सिखाना है। उन सभी का कहना है कि क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, ऐसे लोग सबसे ज्यादा त्रस्त दिखाई दिए। सभी का ये भी कहना था कि जनप्रतिनिधि क्षेत्र में आते तक नहीं है, चारों ओर जल भराव है, समस्या जस की तस बनी हुई है। सबसे ज्यादा महिला वोटर आक्रोशित दिखाई दी। हमारे मुन्यू संवाददाता राकेश शुक्ला ने वोटरों से सीधी बात की, तो सुनिए वोटरों ने क्या कहा। क्या कुछ बदलाव चाहते हैं इस बार के? बदलाव चाहते हैं। अच्छा, जनप्रतिनिधियों से संतुष्ट नहीं है? नहीं जी, नहीं जी। महंगाई, बेरोजगारी, ये सबसे ज्यादा। अच्छा अच्छा, खासकर हमारे आगरा के अंदर जो देसी शराब के ठेके खुले हैं, इनसे माहौल ज्यादा खराब है। अच्छा, हर एक किलोमीटर दायरे में, हर बस्ती मोहल्ले में, ज्यादा समाज की बस्तियों में हर ठेके खुले हुए हैं, इससे माहौल बहुत खराब है। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री आपके क्या चॉइस है? नहीं, वो तो मैं प्रधानमंत्री सही अपनी जगह। तो कैसे बने जब जनप्रतिनिधि बदल देंगे तो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे मोदी? जैसे कि हमारे वोट क्या हम देंगे, लेकिन हम जो आम समस्या है, जो जनता से जूझ रही है, समस्या अपनी अलग जगह है सर, वो देश की समस्या है। वो नहीं, इसी जनप्रतिनिधि को सुधारेंगे कि दूसरे को लाएंगे? जनता शुरू होती है, जनता यही जनमानस की समस्या होती है, व्यक्तिगत बात से शुरुआत होती है। नहीं, वोट देके इसी जनप्रतिनिधि को सुधारेंगे तभी तो मजबूत होगा नरेंद्र मोदी। जनप्रतिनिधि हम ये चाहते, बदलाव चाहते हैं हम तो सैशनी भाई साहब कई बार कह चुके हैं, वो नहीं सुनते इस चीज के बारे में। बदलाव चाहता हूँ, जैसे कि सरकार इस टाइम जो चल रही है मोदी जी की, और जो भी काम चल रहे हैं, और जगह जगह मैं देख भी रहा हूँ जो काम हो रहे हैं, उस तरीके से काम हो नहीं रहे सही तरीके से। मैं आपको बताऊँ, जैसे कि मैं सेवला में समस्या है, तीन चार गलियों में आज भी देखो घोटू घोटू पानी है, इस टाइम जो पोजिशन है, जबकि बारिश भी नहीं है। तो सरकार का बदलाव तो आना चाहिए, क्योंकि मलिन मस्ती में रहने वाले लोग तो ये समझते हैं जैसे कि एक तरह का जैसे मच्छर या दबा कुचला आदमी है, उसके बारे में नेताजी है जो भी आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं और चुनाव की तैयारी चल रही है, पर इधर हमारी तरफ कोई मलिन बस्ती की तरफ देख के उठ के नहीं। मतदान करने जाएंगे आप जरूर? बिल्कुल जाएंगे, ठीक, मतदान करेंगे, और जो भी मुझे अच्छा लगेगा उस हिसाब से, जो भी आने वाली बदलाव में जो समस्या है, तो कोई भी जैसे हम चुनते हैं उस हिसाब से कोई अच्छी जगह पर हम वोट डालेंगे सोच समझ के, चाहे मोदी जी हो चाहे कोई भी जी हो। देखिए, ये मेरी राय तो नहीं है, बाकी है कि बोलो नहीं, ये सबकी राय होती है, किसी को बदलना है क्या, किसको लाना है क्या करना है, बट है कि ये तो वक्त बताएगा, समय बताएगा, अभी तो कुछ कह नहीं सकते, अभी तो चर्चाएं हो रही है। नहीं, क्या लग रहा है आपको कि सब कुछ ठीक चल रहा है हमारे क्षेत्र में? वो सब ठीक है, अच्छा है, अच्छा विकास हो रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट अभी कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, हाँ, प्रधानमंत्री कैसे हैं आपको? प्रधानमंत्री अच्छे हैं, सबको राशन दे रहे हैं, है, बट एक महंगाई उतार चढ़ाव ये सब चलता है, ठीक है, वो जनता को झेलना है, झेलती है, झेलती रहेगी। कुछ कमियां हैं जनप्रतिनिधियों को सुधारेंगे आप? हैं नहीं, नहीं, वैसे बदलाव होना चाहिए, अच्छी बात है, है, जनप्रतिनिधि जैसे मान के चलो क्षेत्र में कभी आज तक किसी हमारे यहाँ जो जीत के जाता है वो कभी क्षेत्र में आते नहीं है। अच्छा, हाँ, इलेक्शन टाइम पर सभी आते हैं, बाकी वैसे कोई नहीं आता है जी। और जो है, क्योंकि हमारा ये 10 साल से हम सामने देखिए समस्या में घिरे हुए हैं जी। और ना किसी भी कोई परेशानी का हल हुआ है, और ना किसी, क्योंकि जहाँ देखो वहाँ हमारे क्षेत्र में सामने देखिए घर में ही गांव में बेरोजगारी ज्यादा दिखाई देती है, इसलिए हम बदलाव चाहते हैं। 7 तारीख को मतदान है, हाँ। तो क्या आप मतदान कुछ बदलाव चाहते हैं? हाँ, कि बदलाव चाहते हैं। अच्छा, गलियों में पानी भरा रहता है, रोजी रोजगार है नहीं। अच्छा, कोई चीज की बुई नहीं है, जब रोजी रोजगार तो सबके लिए वो होता है, जब कुछ है ही नहीं तो फिर क्या बात। पार्क किसने बनवाया जी आपका? जी इसी सरकार ने बनवाया, किसी और सरकार ने बनवाया? जी इसी सरकार ने। फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत वो अच्छा नहीं है, मच्छर कम काटेंगे, मच्छर गली भर रहे हैं तो उससे क्या फायदा? अच्छा, ये तो दिखावट ही है आम जनता के लिए। तो देश में भी बदलाव चाहते हैं? देश में भी बदलाव चाहते हैं। अच्छा, हाँ। क्या लगता है इस बार बदलाव होना चाहिए? सब कुछ ठीक चल रहा है, बदलाव होना चाहिए। अच्छा, ये बताओ, जब बच्चे हमारे पढ़ नहीं पा रहे ढंग से, और कुछ बच्चों के लिए सुविधा नहीं है, हमें तो सुविधा चाहिए, नई सरकार बने और वो हमें मतलब सुविधा दे। प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? प्रधानमंत्री ठीक है, बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए, प्रधानमंत्री अच्छा होना चाहिए, जो हमें बच्चों के लिए शिक्षा मिले हमें। और आपको राशन नहीं मिल रहा? राशन से क्या होगा, बाजरा मिल रहा है, बाजरा हम दे दें मोदी को। अच्छा, बाजरा से क्या होगा, बाजरे से कुछ नहीं होता। मिला के बदलाव चाहिए आपको? बदलाव चाहिए। प्रतिनिधि कोई भी हो, लेकिन बदलाव की जरूरत तो है जी, बदलाव की जरूरत, जैसे कि बेरोजगारी ज्यादा है,
बेरोजगारी ज्यादा है, सरकार तो कोई भी आए लेकिन ये है कि जन समस्याएं सुने और रोजगार बढ़ाए और बच्चों की शिक्षा के लिए और अच्छी तरीके से मतलब सरकार प्रयास क्या करे। क्या लगता है आपको, कोई स्थानीय समस्या हो और आप उसको चाहते हो कि ये कमी रह गई है अभी? स्थानीय समस्या ये तो ये है कि हमारे इस साइड में सेवला की कई नालियाँ और कई गलियाँ जल भराव से प्रेरित हैं अभी, तो उसका हमारा सरकार से अनुरोध है कि वो गलियों को बनाए और ये विद्यालय छोटा है, इसमें बच्चे ज़्यादा हैं, तो विद्यालय को बड़ा बनाए। अच्छा अच्छा। हाँ जी। देश का नेतृत्व कैसा लगता है आपको कि प्रधानमंत्री ठीक है कि कुछ बदलाव चाहिए इसमें भी? प्रधानमंत्री तो ठीक है, मोदी जी वैसे कई स्तर पर काम कर रहे हैं लेकिन थोड़ा बहुत जैसे उनके वादे होते हैं तो उस वादों पर उनको खरा उतरना है जी। जी अभी थोड़ा बहुत कमियां हैं जो उनको करनी है पूरी। बेरोजगार ज्यादा है, रोजगार होना चाहिए बच्चों की शिक्षा के लिए। प्रधानमंत्री अच्छे नहीं है? अच्छे तो है जे के मतलब वो चल रही है, महंगाई ज्यादा चल रही है, महंगाई कम होनी चाहिए। और आगरा के जनप्रतिनिधि अच्छे हैं कि नहीं, बदलना चाहते हो आप? बदल जाए तो और अच्छा है। प्रधानमंत्री से संतुष्ट हैं आप? कुछ नहीं, सही है, बढ़िया है, पर धंधा रोजगार होना चाहिए। गलिया है हमारे, जो मच्छर है काट रहे हैं और जब गलिया सब जाए। जनप्रतिनिधि नहीं आते हैं यहाँ पर आपके? कभी आए जनप्रतिनिधि? नहीं, कोई नहीं आता। जीतने के बाद कोई नहीं आता? कोई नहीं आता, जीतने के बाद जीत गए तो वो पैसे अपने वो करते हैं। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री बदलना चाहिए कि वही प्रधानमंत्री? पहले वो अमन चक्कर लगा दे, फिर बाद में अमन चक्कर लगाए मेरे पीछे, कुछ नहीं है। अच्छा, तो इस बार बदलाव चाहते हैं कुछ? और का बदलाव चाहते हैं। केनी को सुधारेंगे आप? अब जे सुधर जाए यही सही है, पर गांव तो देख लो महंगाई कितनी है, महंगाई मेहनत कर रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, मेहनत कर बच्चा है का कर रहे हैं, महंगाई इतनी है गई जाते हैं बाहर धंधो रोजगार है, बेकार है बेटा, कम मतलब वाला के ना रही जी। अम्मा वोट किसको देती हो? देंगी वोट, दोगी कि नहीं 7 तारीख को? बिल्कुल देंगे बेटा। हाँ, क्यों नहीं देंगे? तो अब इस बार कुछ बदलाव करोगी कि उसी को लेके आऊंगी जो पहले दिया था? नहीं, बदलाव करेंगे। अच्छा, इसको कौन लाएंगे? हम प्रधानमंत्री से संतुष्ट नहीं है? नरेंद्र मोदी से संतुष्ट है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं। तो इस बार बदलाव करूंगी, वोट देने जाऊंगी। सब कुछ ठीक है, आप मोदी जी हैं, सबको अच्छा देते हैं, लेकिन ये महंगाई इतनी कर चुके हैं बहुत ही ज्यादा। अच्छा अच्छा, महंगाई में थोड़ा वो होना चाहिए, तो कमती होना चाहिए। स्थानीय सांसद से आप संतुष्ट हैं? नहीं, वो तो है, देखो कई महंगाई की वजह से कोई कुछ नहीं कर पा रहा, बच्चे पढ़ पा रहे हैं कुछ भी नहीं है, बच्चों के लिए बहुत दिक्कत हो रही है, गरीब आदमी कहाँ से पढ़ाएगा। तो आपकी पसंद है प्रधानमंत्री होने चाहिए मोदी? ठीक है, होना चाहिए। और क्या नहीं, मोदी ठीक है? मोदी ठीक भी है, नहीं भी है, दोनों चीजें उनमें। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं होगा, देखो जब इतनी महंगाई है तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? ठीक, बच्चों को भी तो पढ़ने चाहिए, गरीब के इंसान कैसे पढ़ाएगा?